News 18, India. देखिए ये रेलवे का फाटक है और अमूमन यहाँ से आवाजाही जो है वो आम लोगों की होती है। ये पीछे का यहाँ से ये जो रास्ता है ये बरही की तरफ जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पे स्थानीय उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अब भाई साहब ये रास्ता किस तरफ जा रहा है? ये बरही के लिए जा रहा है। ये बरही गांव है? बरही गांव है, सियाग्या छोटा गांव। अच्छा, और ये रास्ता बहादुरगढ़ जा रहा है? बहादुरगढ़ शाकोड़ होते हुए बहादुरगढ़ जा रहा है। तो देखिए ये स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ये बरही गांव की तरफ ये रास्ता जाता है और इधर से ही नफे सिंह की जो गाड़ी है, जो जानकारी अब तक मिल रही है कि इसी तरफ से नफे सिंह की गाड़ी आती है और उसके बाद घात लगाकर जो हमलावर है वो वापस इस वारदात को इस जगह पर अंजाम देके इसी रास्ते से, जहाँ पर अभी गाड़ियां देख रहे हैं आप काफी, इसी रास्ते से फरार हो जाते हैं। पुलिस इस पूरे इलाके को जो है वो उसका रोडमैप जो है उसको पुलिस ने खंगाला है कि ये रास्ता आखिर आगे कहाँ तक जाता है। और जिस तरह देखिए अभी यहाँ पर आप ट्रेन देख रहा है, इस तरह से उसी वक्त पूरा इसी तरह का सीक्वेंस था जब कल 5:15 बजे अनुपमा ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। इसी तरह से ट्रेन का जो है वो ट्रेन यहाँ से गुजर रही थी और यहाँ पर ये जो फाटक है पूरी तरह से बंद था और यहाँ पर आके नफे सिंह की गाड़ी जब रुकती है उसी दौरान हमलावर जो है ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल आनंद, और अब देखने वाली बात ये भी होगी कि आखिर कौन कौन से वो गैंग हैं जिन पर शक जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है दिन दहाड़े हत्या को अंजाम दिया गया। अब अभय चौटाला जो है इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग भी करे, लेकिन इन सबके बीच में आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर 2 लोगों की मौत हो चुकी है और साथ ही 2 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन पिता की हत्या पर नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी ने कहा कि उनके पिता पिछले 6 से 7 महीने से पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा वो हत्या के आरोपियों के नाम भी FIR में दर्ज कराएंगे। बार बार इनपुट आ रहा था, CID का भी था, लोकल पुलिस का भी था कि भाई आपके ऊपर हमला हो सकता है, सावधान रहिए। लेकिन मरने वाले को तो हमेशा सावधान रहना पड़ता, लेकिन मारने वाले को तो एक ही मौका चाहिए। आज उनको वो मौका मिल गया और मैं अपने पिताजी को खो बैठा। कोई सुरक्षा मांग नहीं? देखिए 6 महीने से लगातार हमारा पूरा परिवार सुरक्षा की मांग कर रहा था। अभी FIR में नाम नहीं दिए हैं, अभी लिखाएंगे, FIR लिखवाएंगे, क्योंकि अभी पुलिस को यही असमंजस था कि हमारा कौन से थाने का ये क्षेत्र पड़ता है। GRP का पड़ता है, लाइन पार का पड़ता है, सदर का पड़ता है, सेक्टर का पड़ता है, पुलिस को ही नहीं पता। तो नफे सिंह राठी की हत्या को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बहुत दुखद घटना बताया। उन्होंने SPF को जांच का जिम्मा भी सौंप दिया और उम्मीद जताई कि आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। बड़ी दुखद घटना है और नफे सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे हैं। मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और उनको कहा कि भाई इस पर तुरंत कार्रवाई करें। STF को भी हमने लगाया है, तो मुझे उम्मीद है पुलिस जल्दी कार्रवाई करेगी। क्या मामला? अब सारा इतनी जल्दी बताना ठीक नहीं है, सारी चीज़ों का पता कर रहे हैं और उसके बाद ही बता सकते हैं। तो नफे सिंह राठी की हत्या का जिम्मा हालांकि अभी तक किसी गैंगस्टर ने नहीं लिया है, लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस और काला जठेड़ी पर इस हत्याकांड की साजिश का शक गहरा रहा है। देखिए ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आप ये समझिए। दरअसल काला जठेड़ी लॉरेंस बिश्नोई का एक भरोसेमंद है। काला जठेड़ी गैंग रोहतक और झज्जर इलाके में बहुत सक्रिय है। करोड़ों के प्रॉपर्टी विवाद में नफे सिंह की हत्या का शक भी जताया जा रहा है। शक तो ये भी है कि नफे सिंह की हत्या काला जठेड़ी गैंग के जरिए ही करवाई गई है। तो ये हम आपको एंगल बता रहे हैं कि देखिए पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि ऐसा हो सकता है कि काला जठेड़ी ने जो है इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी लगातार आनंद तिवारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आनंद, क्या ऐसा हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग या काला जठेड़ी गैंग का जो है इस पूरे मामले में जो है नाम निकलकर अब आने वाले समय में सामने आए? देखिए अनुपमा, पुलिस ने हालांकि अब तक इस तरह की कोई जानकारी साझा नहीं की है, न ही पुलिस को इस एंगल पर अब तक कोई क्लू मिले हैं। पुलिस इसे एक आपसी रंजिश का मामला देख रही है और जिस तरह की नफे सिंह के जो बेटे हैं उन्होंने भी जो कल कहा है कि उनके पिता को धमकियां मिल रही थी, तो पुलिस इसी एंगल को रूल आउट कर रही है कि आखिर वह कौन लोग थे जो नफे सिंह को धमकी दे रहे थे या ऐसे कौन लोग हैं जो नफे सिंह से जिनकी दुश्मनी थी और उस दुश्मनी की वजह क्या थी। पुलिस को इसको लेकर कुछ सुराग जरूर मिले हैं और जिस पर पुलिस की टीमें लगातार काम कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो शूटर्स थे
उन्हें किस तरह से हायर किया गया, इसका मास्टरमाइंड कौन है, क्या ये प्रोफेशनल शूटर से, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ, इससे पुलिस को ये बिल्कुल शक गहरा रहा है कि इसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के तौर पर देख रही है कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कराई गई है, भाड़े के जो शूटर थे उनका इस्तेमाल किया गया है और बाकायदा रेकी करके नफे सिंह की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल, और इसी तरीके से आनंद हम देख भी चुके हैं कि आखिर किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की जो है मौत हुई थी। लेकिन इन सब के बीच में देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि नफे सिंह राठी की जान को पहले से खतरा था। ये बात राठी ने खुद उन्हें जाकर बताई थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि नफे सिंह राठी को खुद पुलिस ने जानलेवा हमले से सावधान रहने के लिए कहा था। अभय चौटाला ने सरकार से हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की है। इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेवार है। हम मांग करेंगे कि इसकी जांच सीबीआई से हो, इसकी निष्पक्ष जांच हो, जो लोग दोषी है उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो ही हो, उनको तो पकड़ा ही जाए, लेकिन जिन लोगों ने तो सुरक्षा देने में आनाकानी करी है, जिन लोगों ने कहीं सरकारी दबाव में आकर के अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझा, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। मुझे अभी जानकारी मिली है कि इस मामले को जीआरपी के हवाले करना चाहते हैं। ये कोई रेल का एक्सीडेंट थोड़ा ही है, ये बकायदा तौर पे हमला हुआ है और हमला करके मारा गया है। ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जिम्मेदारी है, ये बहादुरगढ़ पुलिस की जिम्मेदारी है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नफे सिंह राठी की हत्या पर गहरा दुख जताया, उनके परिजनों को संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने ट्वीट किया कि आईएनएलडी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी जी और जय किशन के आकस्मिक निधन से स्तब्ध हूं। शोकाकुल परिवारजनों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं, इस कठिन समय में हम उनके साथ हैं। इस मामले में संलिप्त एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस को आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मनोहर लाल खट्टर का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया है परिवार को कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी और किसी भी एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नफे सिंह राठी की हत्या मामले में राज्य सरकार को घेरा और कहा कि सूबे की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के चीफ सुशील गुप्ता ने भी खट्टर सरकार पर हमला बोला। बड़ा दुखद समाचार, ये बड़ा दुखद समाचार अभी है मेरी उनके परिवार के साथ साथ परिवार के, यही नुकसान जो हुआ उसका बर्दाश्त करने की शक्ति दें, और ये दर्शाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल खत्म होगी, लचर हो गई है और उसका दिवाला पिट गया। दिन दिहाड़े सरेआम गोलियां चला के इस प्रदेश की एक राजनीतिक पार्टी इन लोग के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या कर दी, उसके निजी सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी, वो जिले के अंदर मुख्यमंत्री हाजिर तब हत्या कर दी गई, उस शहर के अंदर कुछ दिन पहले व्यापारियों की गोली चला के गल्ले लूट लिए गए, पुलिस मुस्तैद नहीं हुई। राजनीतिक इच्छा शक्ति कानून व्यवस्था कायम करने के हरियाणा के मुख्यमंत्री की मर चुकी। भारतीय जनता पार्टी के राज में चारों तरफ गोलियां चलाई जा रही हैं, फिरौती मांगी जा रही है, परंतु सुरक्षा के नाम पे बिल्कुल जीरो व्यवस्था हो चुकी।